नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेन जी के हाउस पे। तो आज हम हरियाणा जीके में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी। आज हम करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं। तो मैं एक लाइन लिखूंगा और उस एक लाइन में आपको 7-8 खिलाड़ियों के नाम याद हो जाएंगे। उस ये ट्रिक है, इस ट्रिक में देखिए क्या है, चांद ने कपिल के कान में, कपिल के कान में, चांद ने कपिल के कान में कहा, क्या कहा, सुशील बिजी है, सुशील बीजी है, सुशील बीजी है। चांद ने कपिल के कान में कहा सुशील बीजी है। सुशील किस में बीजी है, योग में, योग में। चांद ने कपिल के कान में कहा सुशील बीजी है योग में, और क्या करने के लिए, गगन पर साइन 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 करने के लिए, करने के लिए। ये लाइन, अगर ये दो लाइन आप याद कर लेते हैं तो आपको कितने खिलाड़ी याद हो जाएंगे, 8 खिलाड़ियों के नाम याद हो जाएंगे। देखिए किस तरह से, चांद ने कपिल, कपिल के कान में, कान को संस्कृत में क्या कहते हैं, कान को संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ण। कान को संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ण, और कर्ण से बन जाएगा आपका कर्णम। ये मैं ले लेना, इसको हटा देना, कर्णम, कर्णम मल्लेश्वरी। चांद, चांद कपिल, कान से कर्ण, कर्ण, कर्ण से कर्णम, और सुशील से सुशील कुमार, बीजी से बिजेंद्र सिंह बेनीवाल, और योग से योगेश्वर दत्त, गगन, गगन से गगन नारंग, और साइन से साइना नेहवाल। तो ये हो गए आपके कितने खिलाड़ी, चांद 1, कपिल 2, कर्णम मल्लेश्वरी 3, सुशील कुमार 4, बिजेंद्र सिंह 5, योग योगेश्वर दत्त 6, और गगन नारंग 7, और साइना नेहवाल 8। तो इस इन दो लाइनों में आपके क्या है, 8 खिलाड़ियों के नाम आ गए हैं। और अब हम इन खिलाड़ियों का बारी बारी से क्या है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हम क्रमवार से पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इनका अलग अलग एक एक का क्या है, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम, हमारा क्या था, चांद ने कपिल के कान में कहा सुशील बीजी है। तो क्या लाइन है हमारी, चांद ने कपिल के कान में कहा, चांद ने कपिल के कान में कहा सुशील बीजी है, किस चीज में, योग में, सुशील बीजी है योग में, क्या करने के लिए, गगन पर साइन करने के लिए। गगन पर साइन करने का मतलब गगन पर चमकने के लिए, या आप लगा सकते हैं गगन पर सिग्नेचर करने के लिए। साइन का मतलब सिग्नेचर भी होता है इंग्लिश में, और शाइन, अगर साइन कहोगे तो चमकना, साइन करना या शाइन करना, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे चांद राम की। पहले नंबर पे हमारा कौन था, चांद, चांद राम। तो कितने खिलाड़ी आ गए हमारे, एक बार हम लिख लेते हैं इनको। नंबर वन पे आपका क्या आया, चांद ने, चांद ने, चांद ने से चांद राम, और कपिल से कहा। नंबर दो पे कपिल, कपिल देव, और किससे, क्या कहा, किससे, किसके कान में, चांद ने कपिल के कान में कहा, क्या, कपिल के कान में, कान से कर्ण, और कर्ण से कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और उसके बाद क्या कहा, सुशील के बारे में, सुशील बीजी है तो सुशील कुमार, सुशील बीजी है से सुशील कुमार, सुशील बीजी से सुशील कुमार। और नंबर पांच, बीजी से विजेंद्र, बीजी से विजेंद्र, कौन बीजी है, सुशील बीजी, बीजी से विजेंद्र, बीजी से विजेंद्र, विजेंद्र, विजेंद्र सिंह बेनीवाल, बीजी से विजेंद्र सिंह बेनीवाल, विजेंद्र सिंह बेनीवाल। और क्या करने के लिए, योग, योग से योगेश्वर दत्त, योग से योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त, योग से योगेश्वर दत्त। और सात, गगन से गगन नारंग, योग, योग, योग में विजेंद्र, सुशील बिजी है योग में, गगन पर साइन करने में, गगन पर साइन करने में, गगन से गगन नारंग, गगन नारंग, गगन नारंग, गगन नारंग। और उसके बाद नंबर आठ,
साइन करने के लिए, साइन से साइना नेहवाल, साइन से साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। तो ये हो गए हमारे इस ट्रिक से। क्या ट्रिक थी हमारी? चांद ने कपिल के कान में कहा सुशील बिजी है गगन योग में, सुशील बिजी है योग में गगन पर साइन करने के लिए, गगन पर साइन करने के लिए। तो ये सारे आठ खिलाड़ी हमारे आ चुके हैं। अब इन आठ खिलाड़ियों के बारे में हम क्या है एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इनको इरेज कर देता हूं एक बार, फिर हम लिखते हैं चांद, चांद राम के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं चांद राम के बारे में। चांद राम का संबंध देखिए, चांद राम, चांद राम, चांद राम, चांद राम, चांद राम का संबंध किस खेल से है? चांद राम का संबंध पैदल चाल से है। चांद राम का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल। चांद राम का संबंध पैदल चाल से है। चांद राम का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल से है। चांद राम का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल। और चांद राम का जन्म कहाँ हुआ? चांद राम का जन्म पैदल चाल से इसका संबंध है, और इनका जन्म हुआ है हरियाणा के जींद में, जींद के अंदर। कहाँ हुआ इनका संबंध, इनका जन्म कहाँ पे है? जींद में। इनका जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा के जींद में। और कब हुआ? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1958 में, 26 जनवरी 1958 में जींद में इनका जन्म हुआ है चांद राम का। और पैदल चाल के खिलाड़ी हैं, और इन पैदल चाल के एथलीट हैं, और इन्होंने क्या है 1982 में क्या किया? एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। 1982 में एशियाई खेलों में, एशियाई खेल में गोल्ड मेडल, एशियाई खेल में गोल्ड, एशियाई खेल में गोल्ड मेडल, एशियाई खेल में गोल्ड मेडल मिला इनको, एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता 1982 में। और 1982 में ही इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1982 में इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। 1982 में इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया। और 1983 में इनको मिला पद्म श्री। 1983 में इनको पद्म श्री दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार 1983 में इनको मिला पद्म श्री पुरस्कार। तो ये है सारी जानकारी चांद राम के बारे में। चांद राम क्या है? पैदल चाल के एथलीट है। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म जींद में, हरियाणा के जींद जिले में हुआ। और कब हुआ? 26 जनवरी 1958 में हुआ। और उसके बाद क्या है, 1958 में इनका जन्म हुआ, और 1982 में एशियाई खेलों में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता 1982 में, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। और 1982 में ही अर्जुन पुरस्कार मिला, 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और 1983 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया, यानी कि इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। ये सारी जानकारी है चांद राम के बारे में। अब हम बात करेंगे कपिल देव के बारे में, क्योंकि हमारा नंबर दो पे क्या आया था इस ट्रिक में? कपिल देव। तो अब हम कपिल देव की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कपिल देव की। तो कपिल देव का संबंध किस खेल से है? कपिल देव का संबंध क्रिकेट खेल से है। कपिल देव का संबंध किससे है? क्रिकेट से। कपिल देव, अब हम बात कर रहे हैं कपिल देव की। कपिल देव का संबंध किससे है? इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से। इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से इनका संबंध है कपिल देव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कपिल देव का जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ? कपिल देव का जन्म हुआ 6 जनवरी 1959। चांद से आगे क्या है देखो, चांद राम 1958, उसके बाद 58 के बाद क्या आएगा? चांद राम के बाद ट्रिक में क्या आता है? कपिल देव। 58 के बाद क्या आता है? 59। तो 1959 में कपिल देव, 1959 में कपिल देव, ठीक है। तो जन्म का कब हुआ? 6 जनवरी 1959 को। कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में, हरियाणा के चंडीगढ़ में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। तो जन्म इनका कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कपिल देव का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज।
और इन्होंने अपने क्रिकेट में क्रिकेट करियर की शुरुआत कब की, इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी 1978 में, 1978 ईस्वी में इन्होंने क्रिकेट में पदार्पण किया था, यानी कि अपनी स्टार्टिंग की थी, करियर की शुरुआत की थी। और किसके किसके साथ किसके खिलाफ की थी, दोनों ही उसमें, दोनों ही जैसे वनडे मैच में, वनडे मैच और दूसरा क्या है टेस्ट मैच प्लस टेस्ट मैच, वनडे मैच प्लस टेस्ट मैच, दोनों ही मैच किसके किसके साथ शुरू किए उन्होंने। पहले बार जब इन्होंने शुरुआत की तो किसके साथ हुआ इनकी शुरुआत, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खेले थे दोनों, वनडे भी और टेस्ट मैच दोनों से शुरुआत की। कहाँ से हुई इसकी, पाकिस्तान के अगेंस्ट हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ इसने खेला है पाकिस्तान के खिलाफ 1978 में। और उसके बाद इन्होंने संन्यास कब लिया, अब खेलना शुरू किया है तो अंत भी होगा ना, तो 1994 में इन्होंने क्या लिया संन्यास, 1994 में ईस्वी में क्या लिया इन्होंने संन्यास, किससे, खेल से, क्रिकेट खेल से इन्होंने क्या ले लिया, सन्यासी बन गए, सॉरी संन्यास लिया 1994 में इन्होंने संन्यास लिया। और लास्ट में जब 94 में इसका अंतिम खेल था, उसके अंतिम मैच किसके साथ था, अंतिम मैच किसके खिलाफ खेला, वनडे मैच इसका रहा, वनडे मैच अंतिम मैच इसका वनडे किसके साथ था, अंतिम वनडे मैच था इसका, यहाँ लिख देता हूँ कहीं जगह नहीं शायद ना दिखे स्क्रीन पे, तो वनडे मैच 1994 में वनडे मैच किसके खिलाफ रहा इसका लास्ट में जो जब संन्यास लिया, तो वेस्ट इंडीज, वनडे मैच इसका किसके खिलाफ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लास्ट मैच इसका किसके साथ रहा, वेस्ट इंडीज के साथ, और किसमें, वनडे जो मैच होते हैं उसमें लास्ट मैच किसके साथ रहा, वेस्ट इंडीज के साथ, और टेस्ट मैच अंतिम टेस्ट मैच 1994 में जब संन्यास लिया तो ये किसके साथ था इसका, तो ये इसने खेला किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो लास्ट मैच इसका न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम मैच इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जब संन्यास लिया 1994 में, तो अंतिम मैच वनडे मैच इसका वेस्ट इंडीज के साथ रहा। और 1994 में ही जो टेस्ट मैच रहा न्यूजीलैंड के साथ। तो ये कपिल देव के बारे में जानकारी है। और उसके बाद क्या हुआ, कहाँ आ गए हम, 94 में 78 और उसके बाद संन्यास, और 1991 में इनको क्या मिला, 1991 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, 1991 में इनको पद्म भूषण मिला, 1991 में क्या मिला, पद्म भूषण, 1991 में इनको 1991 में क्या मिला, पद्म भूषण 1991 में क्या मिला, पद्म भूषण 1991 में क्या मिला, पद्म भूषण। और इन्होंने अपनी दो किताबें लिखी हैं, क्रिकेट माई स्टाइल और एक है क्रिकेट माई स्टाइल और एक है द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, वह द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो दो किताबें लिखी इन्होंने, क्रिकेट माय स्टाइल और द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो ये थी सारी जानकारी कपिल देव के बारे में, कपिल देव का संबंध किस खेल से है, कपिल देव का संबंध क्रिकेट से है, और कपिल देव का जन्म कहाँ हुआ, कपिल देव का जन्म चंडीगढ़ में हुआ, कब हुआ, कपिल देव का जन्म चंडीगढ़ में 6 जनवरी 1959 में कपिल देव का जन्म हुआ। कपिल देव का पूरा नाम क्या है, कपिल देव का पूरा नाम है
कपिल देव, रामलाल निखंज, कपिल देव रामलाल निखंज, इन्होंने अपने क्रिकेट की क्रिकेट करियर की शुरुआत कब की? इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1978 में की, और 1978 में जिन जो इनका डेब्यू मैच था वो दोनों ही वनडे में भी और टेस्ट में भी किसके साथ रहा? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इन्होंने वनडे मैच अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की वनडे मैच से, और पाकिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ ही इन्होंने अपना फर्स्ट मैच खेला, टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के साथ और वनडे मैच भी पाकिस्तान के साथ, दोनों ही कैटेगरी में, वनडे और टेस्ट दोनों ही कैटेगरी में शुरुआत इनकी किसके साथ रही है? पाकिस्तान के अगेंस्ट इनके मैच, पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में इन्होंने क्या किया था? पदार्पण किया था, शुरुआत की थी अपने क्रिकेट की, स्टार्टिंग की थी। तो उसके बाद इन्होंने संन्यास लिया 1994 में, और 1994 में संन्यास लिया तो 1994 में जो इनका अंतिम मैच था किसके साथ रहा? वनडे मैच इनका वेस्ट इंडीज के खिलाफ रहा है, और टेस्ट मैच इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा है। और 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 1983 में महत्वपूर्ण बात रह गई हमारी, 1983 ईस्वी में क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। 1983 में क्या रहे? क्रिकेट टीम के कप्तान 1983 में क्या रहे, क्या बन, क्या थे ये? कप्तान। और अपनी कप्तानी में क्या जीता? वर्ल्ड कप। 1983 में अपनी कप्तानी में इन्होंने क्या जीता? वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। और 175 रन बनाए किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। इनका अपनी टीम का मुकाबला, भारतीय टीम का मुकाबला किसके साथ था? जिम्बाब्वे की टीम के साथ था, जिम्बाब्वे की टीम के साथ। और उसमें इन्होंने क्या बनाए थे? 175 रन बनाए थे, और जिम्बाब्वे को हरा करके टीम हमारी किस में प्रवेश किया था? सेमीफाइनल में आई थी। जिम्बाब्वे को हरा करके टीम सेमीफाइनल में आई, और सेमीफाइनल में आने के बाद इंग्लैंड, सेमीफाइनल में जो मैच हुआ इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड को हराया और फिर फाइनल में पहुंची, इंग्लैंड को हरा करके फाइनल में पहुंची हमारी इंडियन टीम 1983 में। और लास्ट जो फाइनल मैच हुआ इंग्लैंड को हराने के बाद, फाइनल मैच होता है वेस्ट इंडीज के साथ, और वेस्ट इंडीज उस टाइम की क्या है, वर्ल्ड वर्ल्ड कप विनर, लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी जो वेस्ट इंडीज टीम थी 1975 और 1975 के बाद 79, 75 और 79 के दोनों वर्ल्ड कप क्या है, लगातार कंजक्टिव मैच वर्ल्ड कप जीतती आ रही थी, और ये तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रही थी पाकिस्तान, सॉरी क्या नाम है, वेस्ट इंडीज की टीम। और फिर अपनी जो भारतीय टीम है, इंडियन टीम, जिसके कप्तान क्या है, हमारे हरियाणा के हरिकेन कहे जाने वाले, इनको हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन। कपिल देव की बात चल रही है तो कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, और हरियाणा के हरिकेन कप्तान थे उस वक्त, और वैसे भी अब इनको एक टैग मिला हुआ है, कप्तान भी इनको कहा जाता है और हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। तेज गेंदबाज थे और मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, तेज गेंदबाज, मिडल ऑर्डर बैट्समैन, मध्यम क्रम के बल्लेबाज। और सेमीफाइनल में फाइनल में मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज के साथ 1983 में, और वेस्ट इंडीज को हरा करके हमारी टीम बनती है वर्ल्ड कप विनर 1983 में। हमारी टीम क्या जीतती है? पहली बार इंडियन टीम क्या जीतती है? वर्ल्ड कप जीतती है कपिल देव की कप्तानी में। तो ये थी ऑल अबाउट कपिल देव के बारे में, ये सारी चीजें कपिल देव के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के कप्तान, और इनको कप्तान भी कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी कपिल देव के बारे में, और इन्होंने अपनी दो पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों के नाम क्या थे? पहली पुस्तक, एक पुस्तक का नाम था क्रिकेट माई स्टाइल, और एक था द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो ये सारी जानकारी थी कपिल देव के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या था आगे अपना, आगे था अपना कपिल, क्या था स्टार्टिंग कहां से थी? चांद ने कपिल के कान में, कपिल के कान में, चांद ने कपिल के कान में क्या कहा? कपिल के कान में क्या कहा था? कान से करण। नंबर तीन पे आपका क्या आ गया था? कर्णम मल्लेश्वरी। नंबर तीन पे आ गया था कर्णम मल्लेश्वरी, इंक खत्म हो गई है, कर्णम मल्लेश्वरी नंबर तीन पे आ गया था, कर्णम मल्लेश्वरी। और अब हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की, कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ? कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। पहले तो कर्णम मल्लेश्वरी है क्या? वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर।
वेटलिफ्टर है, इनका जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। जन्म कब हुआ? 1 जून 1975 में, 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ कर्णमल्लेश्वरी का, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है इनका जन्म? कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है कर्णमल्लेश्वरी का। कब हुआ? 1 जनवरी 1975 में। और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है उसवन पेटी, उसवन पेटी। गांव का नाम क्या है? उसवन पेटी गांव का नाम है, उसवनी पेटी ऐसा कुछ गांव का नाम है, ये आप चेक कर लेना। आंध्र प्रदेश का एक गांव है। और जन्म 1 जून 1975 आंध्र प्रदेश और उसवन पेटी में। 1994 में इनके पिताजी क्या थे? इनके पिताजी कांस्टेबल थे। और ये 5 बहनें थी, और इन इसकी जो 4 बहनें हैं वो 4 बहनें भी क्या है, वेट लिफ्टिंग में अच्छा नाम कमा चुकी हैं। और हम इन्हें इसे क्यों याद करते हैं, हम अपनी हरियाणा जीके में हम इसको ये क्यों लर्न करते हैं कर्णमल्लेश्वरी को? इसका हमारे हरियाणा के यमुनानगर से संबंध है। हरियाणा के कहाँ से संबंध है? यमुनानगर से इसका संबंध है, यमुनानगर से इनका संबंध है। क्या संबंध है यमुनानगर में? क्या क्या है? राजेश त्यागी, यमुनानगर के क्या है? राजेश त्यागी, राजेश त्यागी से इनकी शादी हुई है। वो भी क्या है? वेट लिफ्टर है। ये भी क्या है? वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर, राजेश त्यागी वेट लिफ्टर। इनसे कर्णमल्लेश्वरी की क्या हुई? मैरिज। क्या हुई भाई इनसे? मैरिज, इनसे हुई है इनकी मैरिज, इसीलिए हम इसको याद करते हैं। मैरिज है, इनकी शादी हुई किससे? राजेश त्यागी से। कहाँ के हैं? यमुनानगर के। कब हुई? 1997 में, 1997 में कर्णमल्लेश्वरी की राजेश त्यागी से शादी होती है, जो एक वेट लिफ्टर है, उनसे शादी हुई। और ये यमुनानगर के हैं, इसलिए इनका इनका संबंध हरियाणा की जीके से हो जाता है। हरियाणा की जीके से इनका संबंध हो जाता है, किनका? कर्णमल्लेश्वरी का, क्योंकि हरियाणा के में राजेश त्यागी जो वेट लिफ्टर है उनसे इनकी शादी हुई थी। और 1994 में WWC में, 1994 में WWC में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, 1994 में WWC में गोल्ड मेडल। 1994 में कर्णव मल्लेश्वरी 1994 में क्या जीता? गोल्ड मेडल। किसमें? WWC। WWC का मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, विश्व भारत्तोलन, विश्व भारत्तोलन, विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और 1995 में 1994 में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। 1994 में ही इनको क्या दिया गया? 1994 में WWC में क्या जीता? वर्ल्ड विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप, वर्ल्ड वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता था? गोल्ड मेडल, गोल्ड जीता था। कब? 1994 के विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप में। उसके बाद 1994 में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। 1994 में इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। 1994 में इनको क्या दिया? अर्जुन पुरस्कार मिला। 1994 में, 1994 में ही इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। और 95-96 में, 1995 और 96 शायद 1994-95, हाँ 1900 शायद 1994-95 में है, 1994-95 या 95-96 है शायद। और उसमें क्या मिला इनको? उसमें दिया गया इनको राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न। और राजीव गांधी खेल रत्न का आज नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आज इस गेम को क्या कहते हैं? आज इस जो ये पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, इसको आज कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल खेल पुरस्कार, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब इसको क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। और ये ना शायद 95-96 है, ये एक चेक कर लेना, 1995 और 96। और 1997 में इनको क्या मिला?
और 2002 में, 2002 2002 में क्या है, इनके फादर एक्सपायर हो गए थे, इनके पिता का देहांत हो गया, देहांत हो गया पिता का देहांत, और इसके कारण इन्होंने क्या किया, WWG जो कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जा रही थी नाम उसमें कॉमनवेल्थ में खेलने के लिए, तो नाम वापस ले लिया क्योंकि उनके फादर की उन्हीं दिनों क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो कॉमनवेल्थ गेम से इन्होंने अपना नाम वापस लिया। कॉमनवेल्थ गेम से क्या है, नाम वापस लिया। और 1900 तो ये सारी जानकारी अभी, एक नाम वापस लिया, और उसके बाद 1999 में पद्मश्री मिला इनको। क्या मिला, पद्मश्री। 1999 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। 1999 में इनको क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार। तो ये थी सारी जानकारी किसके बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। आगे पढ़ेंगे जो हमारी ट्रिक में क्या था, चांद ने कपिल के कान में, कान तक हो गया हमारा, क्या सुशील सुशील कहा क्या कहा, सुशील बीजी है। तो अब सुशील कुमार के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अब हम करेंगे सुशील कुमार के बारे में।